जो मुमरा से रिक्शा वाला आपके लिए पैदल गया था उसको क्या सवाब मिलेगा? ऐसा काम मत करो कोई। लेकिन मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज एप के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम से 1 साल 17 दिन सफर करके आया। मैं हज किया लोगों को दुआ का साथ। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी 6 कंट्री क्रॉस किया। 8,640 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जनरेशन में ऐसा एक सफ़र हमको कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे को मालूम, पहले मैं भी थोड़ा टेंशन में कैसे जाएगा, सिचुएशन ऐसा है, क्लाइमेट, खाना, किधर रुकेगा। बहुत स्टडी किया उसके बारे में सफ़र का। पहले 4-5 साल उसका सफ़र के लिए बहुत काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पूरा मुसलमान का, पूरा उम्मत का दुआ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में का बारे में भी बात करता हूँ। पहले टूरिस्ट वीसा दिया, लेकिन मेरे को जाने के लिए ट्रांसिट वीसा ज़रूरत है। वो टाइम मैं भी सब्र किया ट्रांसिट वीसा के लिए, 90 दिन बोला पहले, बाद में 4 महीने 8 दिन उधर ही रुका उसका सिचुएशन का। जैसे वीडियो अगर का गवर्नमेंट का कानून का बारे में वीडियो वगैरह बनाने के लिए आपको मना किया गया था, आप उन लोगों को बोल रहे थे एक एक ही कंट्री को डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम सब। जी जी, उसका कानून उधर का कानून है, हमारा कानून हमारा कानून है, वो फॉलो करना चाहिए जरूर। हाँ। इसलिए और दूसरा कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। मेरे को बात किया, अपडेट नहीं दे दो, लेकिन हम भी आपका वीजा के बारे में काम करते हैं। शिया भाई, मुमरा के सरजमी से ही आप गुजरे थे, काफी मीडिया लोग ने आपका इंटरव्यू भी लिया था, सत्कार भी किया गया था। आज वापस आप मुमरा आए हो, शान-ए-पठान साहब के बंगले पे आए हो, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब पूरा मुसलमान अच्छा से मोहब्बत दिया, लेकिन शिहाब भाई के लिए नहीं है, सबका अंदर ईमान, मक्का मदीना उसका बारे में। अभी मैं क्या सोचते, हमको ये दुनिया में हर चीज कर सकते, हमारा नीयत अच्छा है तो इनमे अमाल बिन नीयत, हमको हर चीज कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 99 डोर्स क्लोज करेगा तो अल्लाह हमके लिए हमारा नीयत का बारे में एक डोर ओपन करेगा। नए जनरेशन को आप कैसा बोलेंगे कि आप कैसा हज को जाओ, पैदल जाओ या बाय प्लेन जाओ? पैदल जाने का हमारा इस्लाम में भी जरूरत नहीं है। ये शिहाब खुद मेरा बचपन से मेरा ड्रीम है, ये ड्रीम के लिए मैं काम किया। हमको भी फ्लाइट में जा सकते, 4 घंटा में उधर पहुंचेगा, लेकिन मेरा स्वप्न इधर छोड़ के जाने के लिए मैं रेडी नहीं हो रहा। वो बंदे को आप क्या संदेश देंगे जो मुमरा से रिक्शा वाला आपके लिए पैदल गया था, उसको क्या सवाब मिलेगा? अब्दुल रहमान भाई, उसको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा? ऐसा काम मत करो कोई। लेकिन वो हज को भी जाने का हमारा इस्लाम में फर्ज नहीं है, हज पैदल हज हमारा इस्लाम में नहीं है। मेरा ड्रीम का पीछे मैं गएगा तो गलत नहीं है, हमको कर सकते हर चीज, लेकिन हमारा इस्लाम का कानून ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम का कानून फॉलो करो, हज करने के लिए कोशिश करो, लेकिन पैदल हज जरूरत नहीं है। मेरा ड्रीम का पीछे मैं गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से उधर पहुंच गया, हज भी किया, अम्मी का साथ हज किया, सब अल्लाह मेरे को खुद हज के लिए फ्री दिया, हज दिया। मैं मेरा हज का पैसा अम्मी ने उसका परमिशन के बाद अम्मी को लेके गया उधर तक। आपका बिजनेस क्या? बिजनेस मेरा पहले सुपरमार्केट है, बहुत काम उधर मदरसा में भी पढ़ते हैं, मुदरिस करते हैं। शेख भाई, शेख भाई, वो रिक्शा वाला अब आपके साथ में है और आप उसके गांव भी गए थे और अभी भी आप ही को मुमरा वो लेके आए, उसके लिए 2 शब्द क्या बोलेंगे? अब्दुल रहमान भाई अच्छा आदमी, उसका वो बुलाया मैंने इधर मुमरा, इसलिए मैं इधर आया। अच्छा, दूसरा कल हमारा ड्रग्स का अगेंस्ट ड्रग्स के लिए प्रोग्राम है गुजरात में, उसके लिए आया, लेकिन हमारा फ्लाइट कल सुबह 3 बजे, इसलिए इधर रुका। अल्हम्दुलिल्लाह।